पुरानी, आपको तो कहानियां पता होंगी। पहले का जो है ग्राउंड इनका, ये बता रहे हैं कि अच्छा नहीं था। मंच के ऊपर सुखदेव जी नहीं दिखाई दिए थे क्योंकि आपने वहां पर कब्जा कर रखा था, इतना क्या टेरर है आपका। महाराणा प्रताप जी जो है वो मेरे हमेशा से आइडियल रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। मेरे परिवार में तो कोई पैक सैक लेता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे तो इतना पता भी नहीं है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस है, विद्याधर नगर के अंदर हजारों की भीड़ है और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो धर्म पत्नी है उनसे हम बात करेंगे, शीला जी से। शीला जी ये बताइए कि जो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से कहा जाता है कि उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही रिस्की है, आपको कभी चिंता नहीं होती उनकी? चिंता तो होती है, लेकिन जैसे कि राजपूत भाइयों पे मुझे विश्वास है वो उनका साथ देंगे और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहेंगे। और आपको जैसे मतलब फिर भी आस पड़ोस वाले बाकी सब तो कहते ही होंगे, रिश्तेदार कहते ही होंगे कि इस प्रकार से जवाई राजा को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखो, आपको ऐसा नहीं बोलते? नहीं ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज को साथ लिया है, 36 कौम को एक कर दिया, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अंदर आप जो है महिला विंग के अंदर हैं, क्या क्या चीजें करने का आपने सोचा है और क्या आपके जो तेवर है वो बिल्कुल गोगामेड़ी जी की तरीके से दो और दो चार होंगे या थोड़ा सा शांति से काम करेंगे? नहीं मैं तो मीडियम टाइप से ही करूंगी क्योंकि जो महिला होती है वो ज्यादा उग्र नहीं होती, वो अपने शांति से ही काम लेती है और बाकी मुझे इन पे बहुत गर्व है और मैं इनका साथ हमेशा देती हूँ और जितना दे सकूंगी उतना दूंगी। किसी भी सामाजिक संगठन में अगर महिलाएं नहीं जुड़ती तो वो सामाजिक संगठन को पूर्ण नहीं समझा जाता। आज महिलाओं की उपस्थिति भी काफी ज्यादा थी, पहले जो करणी सेना राष्ट्रीय करणी सेना की जो रैलियां हुआ करती थी उसमें कम रहा करती थी, इसमें आपका योगदान है या फिर दादा अब जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? नहीं आपके दादा की मेहनत है और मैं तो जैसे अभी छोटे बच्चे थे तो कम ही निकल पाती थी, लेकिन पहली बार अभी काफी टाइम के बाद मैं अभी आई हूँ तो ये तो इन्हीं का योगदान है पूरा पूरा और इन्हीं की मेहनत है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे पहले मतलब आज से जैसे 10-15 साल से तो वो सार्वजनिक लाइफ में है, क्या उसके पहले भी वो इसी प्रकार से जो है विद्रोही स्वभाव के हुआ करते थे या कैसे हुआ करते थे? पुरानी आपको तो कहानियां पता होंगी। नहीं पहले का जो है ग्राउंड इनका, ये बता रहे हैं कि अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने तो जब से देखा है ना मैंने तो अच्छा ही अच्छा देखा है। जितने भी कमजोर हैं अब भादरा में ही लगा लिए, चुनाव भी लड़ा इन्होंने तो वहाँ पे जितने भी गरीब लोग थे, गरीब बेटियाँ थी उनके घर बसवाना, गरीब लोगों की मदद करना, मतलब शादी ब्याह सब करवाए इन्होंने, तो मैं तो कहती हूँ ये जितने बढ़िया है उतना शायद ही कोई बढ़िया होगा, मुझे तो इन पे गर्व है हमेशा से। तो यानी कि आप कह रहे हैं जो आपने देखा वो बढ़िया बढ़िया देखा, आपने आके सुधार दिया या फिर वो उनको सुधरना ही था? नहीं वो सुधरे हुए हैं सुधरे हुए हैं और बढ़िया है, नेचर भी बहुत अच्छा है, सबके लिए बराबर सोचते हैं, बहन बेटियों को भी इज्जत देते हैं। जैसे सुखदेव सिंह जी पूरा सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना पूरा समय देते हैं, आप भी सार्वजनिक जीवन के अंदर आ गई हैं, तो परिवार की देखरेख कौन करता है फिर? नहीं ये समय नहीं देते घर पे तो बिल्कुल भी नहीं देते, और जैसे मैं कहती हूँ ना तो कहते हैं कि तूने बोला था ना कि 3 मार्च को शायद मीटिंग थी उस टाइम पे तूने बोला था कि मैंने मेरे पति को समाज को समर्पित कर दिया, तो अब तू किस लिए कह रही है तू घर पे रुक, अब मैं कैसे रुकूं, तूने तो खुद समर्पित कर दिया। मंच के ऊपर सुखदेव जी नहीं दिखाई दिए थे क्योंकि आपने वहां पर जा कर रखा था, इतना क्या टेरर है आपका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं फिर वो तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच बैठे थे, आप मंच पे बैठे थे। नहीं देखो भाइयों के बीच नहीं रहेंगे तो भाई किसके पास बैठेंगे आप बताओ, अब मंच पे मैं बैठी हूँ तो मेरी बहनें बैठी हैं, इसलिए उनको मैं संभाल रही थी और भाइयों को वो संभाल रहे थे। मतलब जो महिला शक्ति है उनको मंच दिया गया है और जो सुखदेव जी है वो जो कुर्सियों के ऊपर साधारण करीब करीब आखिरी रो के ऊपर, हमने जैसा आपसे अभी बात भी कराई थी, क्या ये उनके जिस तरीके से जो बातें होती हैं वो ज़्यादातर महाराणा प्रताप को कोट करते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में भी कहा जाता है कि वो जो सबसे जो लोअर जो सैनिक हुआ करता था उसके साथ में रहा करता था, क्या ये जो भाव है वहाँ से आए हैं या फिर कुछ और बात है इसके पीछे? नहीं भाव तो ऐसे, ये हमेशा से ही कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी जो हैं वो मेरे हमेशा से आइडियल रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से तो वही चल रहा है इनके दिमाग में भी अभी। महाराणा प्रताप के समय में खून खराबा हुआ करता था और उसी से जो है न्याय मिला करता था, अभी समय जो है बदल गया है, क्या मतलब आप उनको समझाते रहते हैं कि जो उत्तेजना है वो थोड़ा सा कंट्रोल में करें क्योंकि अब जो सारा काम है वो संविधान से होता है? हाँ ये तो मैं बोलती हूँ उनको, थोड़ा ठंडा रहा करो, लेकिन वो ठंडे रहते नहीं है, उनको क्या है एकदम से उनका बीपी हाई होता है और बीपी हाई की वजह से ये कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा होता रहता है वैसे तो।
ये भी आप बताइए कि जैसे करणी सैनिक है वो बढ़ते जा रहे हैं, एक मीडिया चैनल के अंदर भी जो डिस्कशन हुआ था 60 लाख से ज्यादा करणी सैनिक हो गए हैं, अब इतने सारे करणी सैनिक हैं, हर किसी की अलग अलग मानसिकता रहती है, उनको जो एक सही दिशा देना, मतलब वो किसी तरीके से अराजकता में ना चले जाएं, डिसिप्लिन में रहें, जैसे पहले शासक भी करा करते थे, पूरी सेना को डिसिप्लिन में रखा करते थे, उसके लिए क्या कदम आप सोचते हैं और क्या डिस्कस करते हैं? ये हमेशा इनसे मतलब कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो जो भी थोड़ा सा गलत इनको लगता है ना कि ये भाई थोड़ा सा ऊट पटांग चल रहा है, उनको समझाते हैं, उनको बुलाते भी हैं, और बुला के जैसे इनको खाना पीना का प्रोग्राम कर लेंगे महीने में 2 महीने में, सबको फिर समझाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, तो ऐसे चलता रहता है। मंच के ऊपर जो है, मतलब जो बाकी जो शत्राणियाँ हैं उनके मन की बात भी कई वक्ताओं ने कह दी, और उन्होंने कहा कि ये जो शराब है, ये पैग वैग है, ये पूरी की पूरी राजपूतों को अब छोड़ देने चाहिए, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, मेरे परिवार में तो कोई पैग सैग लेता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे तो इतना पता भी नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि शराब पीना बहुत ही गलत है, और जितना उसके युवकों को दूर ही रहना चाहिए, शराब है, दहेज है, ये तो बीमारी है, और बीमारियों से जितना दूर रहोगे उतने ही फायदे में रहोगे। तो जो सामाजिक संगठन है इसका मतलब सामाजिक तौर पर भी काम करेगा, और वो केवल जो है शोर शराबा उसमें नहीं करेगा, शराबबंदी के ऊपर, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, और अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना था मृत्यु भोज के खिलाफ भी सुखदेव जी जो है मुहिम चला रहे थे। जी ये तो होता ही है, मानो ये चीजें अगर बंद हो जाएंगी तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, और ये तो बार बार कहते हैं कि मृत्यु भोज बंद करना चाहिए, और रियल बात है उसी घर से तो परिवार का कोई सदस्य जाता है और वहीं पे हम लोगों को खाना खिलाते हैं, तो ये है तो गलत ही, और मेरे ख्याल से ये बंद भी होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे और ध्यान आई है, एक और रैली के अंदर आप दर्शकों में थी और वो मंच में थे, मतलब ये बात तो पूरी प्रूव हो रही है कि कहीं ना कहीं शेर जो है वो शेरनी से घबराता जरूर है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये इज्जत है, ये भाइयों की इज्जत, अब जैसे छत्राणियाँ ज़्यादा आएंगे तो मैं नीचे बैठूंगी, मेरा मन पहले भी नीचे बैठने का ही था, लेकिन इन्होंने नाम ज़्यादा अनाउंस किया तो मैं चली गई, नहीं तो मैं नीचे ही बैठती, क्योंकि मुझे इतना शौक भी नहीं है ऊपर बैठने का। चलिए देखिए जो बात है वो सामने तो आ ही जाती है, शेर चाहे कितना ही बड़ा बबर शेर हो जाए मगर शेरनी से वो ज़रूर थोड़ा सा दबता ज़रूर है। ये थे बबर शेर जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हैं, उनकी धर्मपत्नी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।